गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर और रैंकिंग का पार्ट 4। मैंने पार्ट 1, 2 और 3 इसे पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले पार्ट 4 आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम और बिटवीन, ठीक है, ये तीन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊँगी, 2-3 फॉर्मूले पढ़ेंगे जिससे कि हमारा ये पूरा जो है तीनों केसेस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हम बेसिक से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम बेसिक से गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और हम इसमें फंस सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रिक से जाएंगे और तीनों वाले केसेस को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ। पहले क्या लिखा है, फॉर मिड वैल्यू और बिटवीन, मतलब अगर कहीं पर आपको दिखा रह गया कि मिड वैल्यू निकालिए, मतलब क्या निकालना है हमें, बिटवीन निकालना है। बिटवीन मतलब बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अब बीच वाली वैल्यू मतलब मान लो एक ऐसे रो है, ठीक है, उसमें आपको बोल दिया एक्स है जो इतने रैंक पे है लेफ्ट साइड से, वाई है जो इस रैंक पे है लेफ्ट साइड से। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 10 है, मान लो ये 20 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोला, इन दोनों के बीच में हमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये कहाँ से निकलेगा, इस मिड और बिटवीन, यही है। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए इसमें हम देख सकते हैं कि दो टाइप के केस होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है ओवरलैपिंग। मैं आप लोगों को बता जरूर देती हूँ कि ये होता क्या है, और पर हमें नॉर्मल से भी मतलब नहीं है, हमें ओवरलैपिंग से भी मतलब नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल मान लो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मैंने बोल दिया कोई एक्स नाम का बंदा है, वो क्या है लेफ्ट से कितना रैंक है 15, कोई वाई नाम का बंदा है, वो क्या है वाई से कितना, वाई नाम का कोई बंदा है, वो क्या है राइट से, उसकी रैंक कितनी है, राइट से उसकी रैंक है 8। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मैम, नॉर्मल केस। अब ओवरलैपिंग केस क्या होता है, ओवरलैपिंग केस ये होता है मान लो इसकी रैंक है 15 और इधर से इसकी रैंक आ गई 8, तो ये वाला जो बंदा है वो क्या किया है 15 वाले को क्रॉस करके आया, ये क्या हो गया ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं इसको सॉल्व, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दो फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, एक नॉर्मल केस का फॉर्मूला है, एक ओवरलैपिंग केस का फॉर्मूला है। ठीक है, हमें नॉर्मल केस और ओवरलैपिंग केस से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है सिर्फ कि हमारा जो टोटल है वो क्या है, लेफ्ट और राइट की जो रैंक दी हुई है उससे बड़ा है कि छोटा है, मतलब टोटल कैसे रहेगा, टोटल कैसे बनेगा। मैंने बोल दिया एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो गए टोटल 100 बच्चे, तो ये आ गया मेरा टोटल। ठीक है, मैंने बोला एक्स की रैंक क्या है लेफ्ट से 50 है, वाई की रैंक क्या है राइट से 20 है, तो लेफ्ट और राइट की रैंक आ गई। अब इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 70, 50 और 20 70। अब मैं देखूंगी कि 100 क्या है 70 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो नॉर्मल केस वाला फॉर्मूला, अगर छोटा होगा तो ओवरलैप केस वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको नॉर्मल केस और ओवरलैप केस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा टोटल है वो क्या है लेफ्ट और राइट का जो एडिशन है उससे बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, यह 100 आया था, मैंने बोला 100 लोग हैं, मान लो ये एक्स है, ये क्या है वाई है। ठीक है, एक्स की रैंक बोली मैंने 50 है, वाई की रैंक बोली मैंने 20 है, ये लेफ्ट से है, ये क्या है राइट से है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का एडिशन कितना हो गया 50 और 20 70, तो 100 क्या है बड़ा है। ठीक है, जब 100 बड़ा हो गया 70 से, तो अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा कि 100 माइनस 70, तो आ गया 30। सिर्फ इतना ही करना है, हमें सिर्फ चेक करना है बड़ा है कि छोटा है, उसके बाद बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और छोटा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये दिख गया मुझे लेफ्ट और ये दिख गया मुझे राइट। मैंने बोला 100 बच्चे हैं टोटल, इसकी रैंक आ गई इधर से 70, इसकी रैंक मैंने ले दी 80। ठीक है, तो ये ऐसे पॉसिबल है कि 100 लोगों में नहीं, तो अब ये कैसा बनेगा इसका डायग्राम, ये आ गया 70, ये आ गया 80। ठीक है, इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, हमें डायग्राम से मतलब नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, एग्ज़ाम में आएगा तो हम कैसे करेंगे। अब मैंने देखा 100 बच्चे हैं
और 80 और 70 कितना गया 150। अब 100 क्या है, 150 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, जो 150 है हम इसे लिखेंगे, माइनस कर देंगे टोटल प्लस 2, ठीक है 102। अब 2 क्यों हम ऐड करते हैं टोटल में, क्योंकि ये जो है वो हमारा दो बार काउंट हो जाता है, ठीक है। इधर से भी मैंने लिया तो ये आया, और इधर से भी मैंने लिया तो ये आया, ठीक है। तो दो बार काउंट हो गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं टोटल में प्लस 2 ऐड कर देते हैं। अब इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे देखेंगे, हम देखेंगे टोटल, ठीक है, हम देखेंगे टोटल। टोटल क्या है, बड़ा है कि छोटा है लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। बड़ा है तो फॉर्मूला लग जाएगा टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस राइट, और बड़ा होगा तो, और छोटा होगा तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल में प्लस 2 ऐड कर देंगे, और इसको माइनस कर देंगे लेफ़्ट और राइट से, ठीक है। बस ये दो ही बातें हमें याद रखनी है, ठीक है, बड़ा होगा तो ये और छोटा होगा तो ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, उससे आप लोगों को बेटर समझ आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों पे आपको जिस लैंग्वेज पे इजी लगे आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 45 गर्ल्स, मतलब टोटल कितनी आ गई, 45 लड़कियाँ हैं, तो 45 आ गई। ए क्या है, 13 है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, आप क्वेश्चन से देख पा रहे होंगे। बी क्या है, राइट साइड पे है, 7th, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर लूँगी, तो 13 और 7 कितने हो गए, 20। अब क्या करना है मुझे, चेक करना है कि 45 जो है वो 20 से बड़ा है कि छोटा है। बड़ा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 25, ठीक है। आई बात इतनी समझ में, कैसे निकालना है बिटवीन, जब टोटल बड़ा रहेगा लेफ्ट और राइट से, तो डायरेक्ट माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारा 25। उम्मीद है कि आप ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा, क्या बोल रहा है, इन रो ऑफ 70 बॉयज़, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 70 लड़कियां, तो टोटल कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पी जो है राइट साइड से कितना है, 25 है, ठीक है, और क्यू क्या है लेफ्ट साइड से, 16 है। अब क्या करूँगी मैं, दोनों को ऐड कर दूँगी, 5 और 6 11 की एक हंसी लाई, एक 2 और 2 4। अब यह है 70 क्या है, 41 से बड़ा है कि छोटा है, मैंने देखा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी डायरेक्ट माइनस कर दूँगी, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 गया 2, आंसर कितना गया, 29। आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक से हम इजीली कुछ ही सेकंड्स में हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसी ट्रिक से ही जाएं, ठीक है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने आंसर से मतलब है, हमें वहाँ पे कोई नहीं देखेगा कि हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। हमें सिर्फ हमारे आंसर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। इतना आ गया, बहुत ही ईजिली ये निकल आया। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, अब टोटल कितने आ गए, 90 बच्चे आ गए, ठीक है। पीयूष क्या है, पीयूष है ये क्या है, 67 है किधर से, टॉप से, ठीक है। और यह है अमित है, वो क्या है, 57 है किधर से, बॉटम से। टॉप बॉटम बोलिए, लेफ्ट राइट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन पीयूष और अमित, पीयूष और अमित के बीच में कितने व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 7 14 की 4 हंसी लाई, 1 6 और 6 12, ठीक है। 7 14 की 4 हंसी लाई, 6 5 11 और 12 124। अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो टोटल है 90 वो क्या है, 124 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या है, छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा है तो जो लेफ्ट राइट वाला जो वैल्यू था उसको मैं लिखूँगी, उसमें से माइनस कर दूँगी, जो टोटल रहेगा प्लस 2, मतलब 90 और 2 कितना आ गया मेरा, 92, ठीक है 92। तो मैं क्या करूँगी, 124 में से 92 माइनस कर दूँगी, तो कितना आ जाएगा मेरा, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3, तो आंसर कितना आ गया, 32। आई बात समझ में, टोटल था 90, लेफ्ट राइट से आया 124, तो मैं देखूँगी टोटल क्या है, 124 से बड़ा है कि छोटा है, मैंने देखा छोटा है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट राइट वाला लिखा, माइनस कर दिया 90 प्लस 2, ठीक है, मतलब 92। तो अब 124 में से 92 गया, तो 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3, कितना आ गया, 32, और यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। आई बात समझ में, इतनी बातें आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि क्लियर होंगी। जब टोटल क्या रहेगा, बड़ा होगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और जब टोटल क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2, ठीक है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, अगर ये हम ध्यान रख लिए तो हम क्या करेंगे, बिटवीन वाले क्वेश्चन को इजीली 30 सेकंड्स के अंदर हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम में सॉल्व
कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट ये रहा। इसमें भी हमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं। जब भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे पूछ सकती है, मान लो एक बंदा है, लेफ्ट से रैंक इतनी है, राइट से रैंक इतनी है, ठीक है, ए की रैंक लेफ्ट से इतनी है, बी की रैंक राइट से इतनी है, इन दोनों के बीच में मान लो एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मतलब टोटल इस पंक्ति में कितने लोग बैठ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो क्या करूँगी मैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू, मतलब बिटवीन, ठीक है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल वैल्यू, ठीक है, मतलब बिटवीन, लेफ्ट राइट और बिटवीन ऐड करूँगी तो निकल जाएगा मेरा मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए क्या करूँगी मैं, लेफ्ट प्लस राइट तो रहेगा ही मेरा, फिर क्या करूँगी मिडिल में क्या करूँगी, दो को जोड़ दूँगी, ठीक है। मिडिल में क्या करेंगे, दो को जोड़ देंगे। मैक्सिमम वाला जो केस है वो रहता है हमारा नॉर्मल केस का, और मिनिमम आता है हमारा ओवरलैपिंग केस से, ठीक है। तो इसके बेसिक में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बस मैं आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ ये कैसे आता है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। क्या लिखा है, इन रो राम इज 31st फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और शाम क्या है 35 है कहाँ से, राइट साइड से, एंड देयर आर 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्सन सिटिंग इन द रो। अब इसको बेसिक से कैसे बनाऊंगी मैं गई बेसिक से बनाने, ये रहा मेरा बेसिक, मैंने लिख लिया लेफ्ट, मैंने लिख लिया राइट, राम क्या है लेफ्ट साइड से कितना आ गया ये 31st आ गया, और राइट साइड से ये कितना आ गया 35 आ गया। दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो मैक्सिमम कैसे निकल जाएगा, 31, 5 और 35 तीनों को ऐड कर दूंगी, तो टोटल कितने बच्चे पता चल जाएगा, लेफ्ट इधर है राइट इधर है और बीच में इतने बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 35 और 4 5 40, 40 और 31 71, टोटल कितने बच्चे हैं मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 71 बच्चे, ठीक है। अब इसे ही क्या करेंगे हम, मिनिमम के लिए बनेगा हमारा ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग कैसे बनेगा, ये आ गया इधर से कितना आ गया 31 नंबर पे राम, और ये राइट से कितने नंबर पे आ गया, ये आ गया 35 नंबर पे, ठीक है, और दोनों के बीच में कितने हैं 5 लोग हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये कैसे आ गया, ओवरलैपिंग है, इससे हम निकालेंगे मिनिमम। तो जब ये लेफ्ट से 31 है और इधर 5 लोग हैं, ठीक है, इधर क्या है 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग हैं, तो 31 के बाद ये क्या आ गया 30 29 28 27 26, और ये क्या आ गया 25, ठीक है। तो अब जो ये शाम है उसकी रैंक क्या हो गई, लेफ्ट से आ गई 25, राइट से आ गई 35, बंदे की है, एक बंदा ही क्या हो गया, दो बार काउंट हो गया, तो हम क्या करेंगे 5 5 10 की 0 हंसी लाई 1 3 2 5 और 1 6 माइनस कर देंगे 1 को, ठीक है, क्योंकि एक ही बंदा क्या हो गया, दो बार हो गया। श्याम की लेफ्ट से रैंक 25 थी, राइट से रैंक 35 थी, तो 60 आ गया एडिशन इसका, और 60 में से एक गट जाएगा क्योंकि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, तो कितना आ गया ये 59, मतलब मिनिमम कितने आ गए 59। ये तो रहा हमारा बेसिक से, आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ट्रिक से बना के देखते हैं। ट्रिक से मैक्सिमम निकालूंगी तो क्या कर लूंगी मैं, मैक्सिमम क्या क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 31 प्लस 35 प्लस 5 तो कितने आ गए 35 और 5 40, 40 और 31 कितना आ गया 71, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 71, 71 हमारा आंसर हो गया मैक्सिमम का, ठीक है। इससे हम बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी हमने हमारा आंसर निकाल लिया। अब चलती हूँ मैं मिनिमम की तरफ। मिनिमम में हमें ज़्यादा टाइम लगा था, तो अब ट्रिक से देखते हैं हम कितना टाइम लगता है हमें, लेफ्ट और राइट माइनस बिटवीन प्लस 2, ठीक है। लेफ्ट और राइट मतलब 31 और 35 माइनस 5 और 2, ठीक है, तो 5 और 1 आ गया 6, 3 और 3 आ गया 6, ठीक है, और माइनस की माइनस, और 5 और 2 7, ठीक है। तो 66 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा 59, कैसे 66 में से 6 गया तो 60, और 60 में से 1 गया तो 59, या फिर 66 में से आप 7 ऐसे माइनस करके देख लीजिए तो कितना गया 59, तो आंसर कितना गया मेरा 59। मैंने किससे किया, लेफ्ट और राइट को ऐड कर दिया,
कितना गया 66 और मिडिल और दो को ऐड कर दिया 766 में से 7 गया 59, ये क्या गया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैं समझा रही हूँ फिर भी मुझे इतना वक्त लग रहा है, बट एग्ज़ाम में अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो इतनी जल्दी आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही टाइम आप अपना सेव कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये रहा हमारा बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। ये हमेशा एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है और इससे कुछ पज़ल बनती है, वो हम पढ़ेंगे पज़ल वाले चैप्टर में। ठीक है, और इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आज हमारा ऑर्डर और रैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नया चैप्टर अपना एक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटी। ठीक है, अगले सेशन में हम अगले वीडियो में हमारे उस चैप्टर का स्टार्टिंग कर देंगे। तो चलिए सेशन को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय।